आम का जन्म स्थान ही अपना इंडिया है, इसलिए अलग अलग किस्म के और वैरायटी अपने पास इंडिया में है और अपने हिमायत बाग में ही है। तो जो गावरान बोलते हैं, गावरान, वो भी अपने पास बहुत सारे आम के वैरायटी है और इसीलिए औरंगाबाद के लोग ये वैरायटी को ज़्यादा डिमांड। स्वागत है और आज हम हिमायत बाग आए हुए हैं अमराई में और ये अमराई का जो टेंडर होता है ये बेगमपुरा के सुनील सलामपुरी साहब ने खरीदा है 7,56,000 में और उनकी क्या क्या समस्या है और उनको यहाँ के जो ऑफिसर है वो क्या गाइडलाइंस कर रहे हैं, क्या हेल्प कर रहे हैं, जानते हैं सुनील भाई से। सुनील भाई बताइए कि आज जो अमराई है कितने आम के झाड़ है यहाँ पर, कौन कौन से किस्म के आम है, उस बारे में दर्शकों को बताइए। आम तो बहुत है, गुलाब खास, इमरती, मलगवा, मालदा, रत्ना, बादाम, हूर, खोबरा, दिलपसंद, लंगड़ा, बहुत प्रकार के आम है यहाँ पर। कौन कौन से आम अभी तैयार हो, जो आपने नाम बताया इसमें कौन कौन से फल अभी तैयार है मतलब दर्शकों के लिए? तैयार बोले तो अभी अगले हफ्ते में निकलेंगे मलगोवा, काला मालोदा, केसर, गावरान में निकलेंगे कुछ। आपकी क्या समस्या है यहाँ पर, आपने टेंडर तो खरीदा है तो आपको क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पर, क्या मतलब परेशानी आ रही है उसको आप बताइए। परेशानी क्या, चोरा तो बहुत होती ना पर, लेकिन कोई ख्याल करता नहीं इतना। तो ख्याल कौन करना चाहिए मतलब आप सीधा सीधा? ख्याल बोले तो ऑफिसर लोगों ने, इनके कुछ लोग रखना चाहिए इसमें। चोरी कौन करता है? बहुत चोरे हो रहे ना पर। क्या कौन करता है चोरी? अब लोग क्या है उसके अंदर, कुछ बोल के थोड़े आता, मैंने दो बार बोला उनको। उन्होंने क्या बोला? आप क्या उनके आदमी रखे बोल रहे? किसे? उनका ऑफिसर का नाम क्या है? डॉक्टर एम बी पाटिल। पाटिल साहब? हाँ। पाटिल साहब ने आश्वासन दिया आपको कि उनका आदमी रखते हैं? नहीं, उनके कुछ लोग आते हैं रात में, चक्कर मार के जाते हैं नाइट वाले। और अभी हमने देखा यहाँ शूट किया कि यहाँ का रास्ता भी बंद है, कांटे वगैरह लगे हुए हैं, तो आने वाले लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, तो उसका क्या हाल है? उसका परेशानी नहीं, ये साइड से अपने पूरे आम के झाड़ा रहते हैं, चोरी नहीं होना इसलिए अपने सेफ्टी के लिए रखे हुए अपने। अब उसके अंदर भी जो है, अपन ने जो कांटे लगाए थे तो उसके अंदर भी कुछ लोगों ने तोड़ फोड़ कर दी, उसमें महीना 15 दिन का रहता, अपने हमेशा नहीं रहता। कम से कम कितने झाड़ होंगे यहाँ पर आम के? आम के बहुत है, 5,000 के ऊपर ही तकरीबन। अभी हमने सुनील भाई जो टेंडर लिया है आम का अमराई का, सुनील सलामपुरे, उनसे मालूम लिए तो ये एक औरंगजेब बादशाह जो थे उनके ज़माने का, उनका खुद का बाग था यहाँ और उनको आम खाने का बहुत शौक़ था, तो उनके उजरा ने जो वज़ीर होते थे, वो वज़ीरों ने बाहर से झाड़ ला के यहाँ पर उसकी लागवट की है यहाँ पर। तो यहाँ बहुत से आम के दरख्त है, अब यहाँ पर कम से कम 500 किस्म के आम जो बाहर मुल्कों से मंगाए गए झाड़, 500 से 5,000 किस्म के आम यहाँ दरियाफ्त है और यहाँ जनता भी आती है और लोग भी यहाँ पिकनिक के लिए आते हैं, जॉगिंग के लिए भी आते हैं। और अभी हम पाटिल साहब से भी बात करने वाले हैं। नमस्कार,
फल संशोधन केंद्र औरंगाबाद या फ्रूट रिसर्च स्टेशन औरंगाबाद, ये जो वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ है इसके अंतर्गत आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा आम के बारे में संशोधन होता है और आम की बहुत सारी वैरायटी अपने देश में जो रजिस्टर है, जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है वैसे 1300 है, मगर अपने हिमायत बाग में 35 या 40 वैरायटी अलग अलग किस्म के आपको दिखेंगे और है भी अपने पास उपलब्ध है। इसी में से हर साल अलग अलग वैरायटी की, क्योंकि आप अपने यहाँ एक साल के बाद दूसरे साल में आम आता है, हर साल नहीं आम आता, इसीलिए एक साल 20 देंगे, अगले साल 30-35 देंगे, ऐसा एक क्लाइमेट की हिसाब से आपको फल का निर्मित मिलेगी। इसी के बाद और जो भी कोई रजिस्टर वैरायटी है और रजिस्टर जो आम के किस्म है आपको अगर जानना है, तो जैसे अगर साउथ इंडिया में देखा, दक्षिण भारत में देखा, तो दक्षिण भारत में बनेशान नाम का वैरायटी है, ये भी अपने पास है। उसी के बाद उत्तर भारत में गए तो लंगड़ा है, पायरी है, वो भी अपने पास है। ये जो रजिस्टर है वो भी है, और इसके बाद जो रजिस्टर नहीं वो उसका भी कलेक्शन अपने पास है। तो जो भी अपने महाराष्ट्र में अच्छी आती है उसी का, और इंडिया में जो अच्छी आती है, क्योंकि आम का जन्म स्थान ही अपना इंडिया है, इसलिए अलग अलग किस्म के और वैरायटी अपने पास इंडिया में है और अपने हिमायत बाग में ही है। तो जो गावरान बोलते हैं, गावरान, वो भी अपने पास बहुत सारे आम के वैरायटी है, और इसीलिए औरंगाबाद के लोग ये वैरायटी को ज़्यादा डिमांड देते हैं। और जब सेंटर ऑफ एक्सलेंसी केशर मैंगो ये अपने पास आया, तो केशर मैंगो के साथ ही बाहर की कुछ वैरायटी अपने पास लगाई। दुनिया में हम खाली जानते हैं कि अपना जो अल्फांसो है और हापुस बोलते हैं वो ही ज़्यादा फेमस है, और उसी से ज़्यादा ही दुनिया में और वैरायटी है जो फेमस है, वो है टॉमी एटकिन। उसकी भी हमने अपने पास और अपने खेत में या हिमायत बाग में उसी का भी प्लांटेशन किया है। उसी के साथ टॉमी एटकिन के साथ लिली है, केंट है, कीट है, माया है, ये भी वैरायटी लगाई है, और अपने क्लाइमेट के हिसाब से जो अच्छी आएगी उसी का हम अभी बता दें। पटेल साहब, इसका हिमायत बाग का सिलसिला जो है जो अहमद नगर के बादशाह से नीचे में औरंगजेब तक आता है जी, तो कम से कम कितने साल हुए हिमायत बाग को यहाँ पर आम की परंपरा चालू होती है? आम की परंपरा अगर देखी जाए तो 75 साल के ऊपर हुए होंगे, फिर भी यूनिवर्सिटी का अगर देखा तो 74 से आज तक, यानी कि 50 साल तक यह आम का सिलसिला जारी है। जो नया वैरायटी लगाई है वो अभी फ्रूटिंग में है और अभी वो फल दे रही है, उसके पहले तो अहमदनगर निजाम के साथ जो भी कुछ लगाए हैं वो भी आम अपने पास लगाए हुए हैं। पंडित साहब, आम के अलावा आपके यहाँ संशोधन में हिमायत बाग में कौन कौन से और फल है उस बारे में दर्शकों को? यस यस, आम के अलावा इमली है सबसे ज़्यादा है, और इमली के कुछ पेड़ 100 साल के भी अपने पास है। इमली के भी अलग अलग वैरायटीज अपने पास लगाई हुई है, और इमली का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन अपने हिमायत बाग से होता है। इमली के अलावा अपने पास चीकू है, अमरुद है, यानी पेरू बोलते हैं उसको, चीकू है, और भी कस्टर्ड एप्पल है, कवट है, बेल है, ये सभी, या जामुन है, इसी का भी प्लांटेशन अपने हिमायत बाग में है, और इसी का भी संशोधन भी होता है, क्योंकि अलग अलग एरिया से जो भी अपने पास अलग किस्म की जो वैरायटीज़ है वो लगाई हुई है, और इसके साथ उसका संशोधन भी चालू है। सर, ये आम का टेंडर कितने में गया है इस साल कितने में खरीदा है? ये साल 7,56,000 को इसका टेंडर गया है। इसके पहले 12,50,000 को भी गया था, लास्ट ईयर 9 लाख को गया था, जो सीज़न के हिसाब से। ये साल 50% ही आम है, आम का ये ऑफ ईयर है, यानी कि आम 50% ही है। सभी अपने अगर महाराष्ट्र देखा या साउथ इंडिया देखा, तो क्लाइमेट के हिसाब से आम का उत्पादन आता है, तो इसके हिसाब से 7,56,000 को गया है। किसी सलामपुरे नाम से ये चला गया है। औरंगाबाद के लोगों को ये हिमायत बाग का आम खाने को कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे? अभी तो 15 दिन और लगेंगे, 15 दिन के बाद ही, 15 दिन के बाद ही, क्योंकि आम अभी निकालने के लिए, मगर कुछ जो वैरायटी ट्रीटमेंट दिए हुए हैं, जो पीजी का रिसर्च यहाँ चलता है,
पीएचडी के स्टूडेंट काम करते हैं, परभनी से काम करते हैं, बदनापुर के एमएससी के स्टूडेंट काम करते हैं, उसके कुछ पेड़ अभी जो हार्वेस्ट हुए हैं वो एक अगले हफ्ते आपको मिलेंगे। पाटिल सर, अभी इसने टेंडर खरीदा है सुनील सलामपुरे ने, हमने उनसे बात किया अभी, तो उन्होंने बताया कि आपके ऑफिस की तरफ से मूलभूत सुविधा उनको प्राप्त नहीं हो रही है और उनके आम चोरी जा रहे हैं, रास्ते में उन्होंने काटी वगैरह लगाई, तो आपने कोई आदमी अपॉइंट नहीं किया, नहीं। तो उस बारे में क्या बोला? इसी के बारे में हम बोलते हैं कि जो भी कोई लेगा ये ऑक्शन उसी का पूरा रखन करना या उसी की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये ऑफिस में अभी 25% लोग काम करते हैं, तो हमारे पास आदमी नहीं है उसको उसी के लिखने के लिए। जो हमने शर्त दिया और अट्टी लगाई हुई है वो शर्त और अट्टी में ही लिखा है कि उसका ही पूरा काम है कि वो जो प्रार्थना करे और उसकी ये जिम्मेदारी है, हमारा कोई आदमी उसके पास नहीं मिलेगा। आपको पूरा नाम बोल दीजिए, आपकी पोस्ट क्या है बताइए। हाँ, मेरा नाम है मोहन बाला साहेब पाटिल, प्रभारी अधिकारी फ्रूट रिसर्च स्टेशन औरंगाबाद। धन्यवाद।